और अब खबरें विस्तार से। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे पुलिस अभियान को भारी सफलता हाथ लगी है। गुड़ाबांदा क्षेत्र से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। गिरफ्तार नक्सली सोनाली टुड्डू से पूछताछ के क्रम में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली, जिसके तहत गुड़ाबांदा क्षेत्र में छिपा कर रखे गए हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया गया है। बरामद जखीरे में SLR, रेगुलर राइफल, भारी मात्रा में जीवित कारतूस, नक्सली साहित्य एवं दस्तावेज तथा दैनिक उपयोग की सामग्रियां शामिल है। SSP अनुप टी मैथ्यूज ने मीडिया को जानकारी दी। के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। जिला पुलिस और CRPF का जो है ज्वाइंट अभियान काफी दिनों से चल रहा है। इस अभियान के क्रम में 3 जनवरी को सुपाई टुडू नाम का उग्रवादी जो है मुठभेड़ में मारा गया है और उसमें हार्डकोर नक्सली सोनाली की गिरफ्तारी हुआ था। और गिरफ्तारी के बाद जो है हम लोग रिमांड में लेके गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ किया। पूछताछ के बाद जो है काफी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हम लोग लगातार रेड्स भी किया है और नक्सल का जो है 6-7 डंप के बारे में सूचना दिया है, जहां हम जो है हथियार और अन्य सामान लोग छुपा के रखा हुआ है। वो सब डंप में जो है हम लोग उसका तलाश में जो है काफी दिनों से अभियान चल रहा था और उसमें हम लोगों को सफलता मिली है। टोटल 4 डंप से जो है हम लोगों का सामान बरामद हुआ है और उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो है उसमें हथियार मिला है, वो भी सब कारगर हथियार है। उसमें 2 पुलिस राइफल है और 1 रेगुलर राइफल बरामद हुआ है, गोली बरामद हुआ है और IED बनाने के लिए जो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए जो सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज होता है वो बरामद हुआ है और उन लोगों का काफ़ी लिटरेचर भी मिला है और उसमें जो है नक्सली लिटरेचर और उन लोगों का जो मीटिंग्स का जो भी मेन्यूट्स है और काफ़ी अहम जानकारी वो सब लिटरेचर में है, वो सब हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं और आगे इस अभियान अभी भी जारी है। जितना सोनाली का भी फर्दर हम लोग रिमांड ले लिया है, फर्दर रिमांड के लिए हम लोग अभी प्रे किया है। ग्रेजुएट कॉलेज में सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। कॉलेज के अध्यक्ष पर चंदा के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ग्रेजुएट कॉलेज में सरस्वती पूजा के लिए लिए गए चंदे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। छात्राओं ने अध्यक्ष पर राशि हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं अध्यक्ष खुशबू लामा ने इससे इनकार करते हुए कहा कि चंदा वसूली के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। मालूम हो कि छात्राओं से DJ और भोग के नाम पर चंदे लिए गए हैं। उधर प्राचार्य उषा शुक्ला कहा कि जांच की जाएगी। DJ भोग के नाम पे पैसा लिया गया है और यहाँ कोई DJ भोग का व्यवस्था ही नहीं है, तो बस सारी लड़कियाँ इसको डायरेक्ट घेर के बोली गई है कि सेक्रेटरी है आप, सारा पैसा आप खा गई हैं क्या, आप और प्रेसिडेंट मिलकर। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी मौसमी जेना है। पैसा कौन खाए, किनको? सारा पैसा प्रेसिडेंट के पास रहता था, वही कैशियर थी, हम लोग को कुछ पता नहीं कितना होता था। ये भी बोलेंगे कि चंदा काटने के लिए भी हम लोग नहीं बैठते थे। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये कॉलेज, ठीक है, कॉलेज एक विद्या का प्रांगण होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखने आते हैं, एक हमारी लर्निंग होती है, ना कि झगड़ा झंझट करना, ठीक है। अफकोर्स हम लोग माँ सरस्वती का रिस्पेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को, ठीक है, स्टूडेंट को धोखे में रख के जो ये बोला गया है कि ठीक है DJ वो बोलिए कि अगर प्रिंसिपल परमिशन देगी तो, ठीक है, लेकिन एक भोग ऑप्शन रखा गया है, ठीक है, कल देखते हैं कल क्या होता है। नहीं, 7,300 लगभग स्टूडेंट हैं डिग्री और PG मिलाकर, और इंटर के हो गए आर्ट्स कॉमर्स साइंस मिलाकर, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स अगर 10 रुपीज भी लिया जाए मैक्सिमम लगभग, ठीक है, कॉलेज में 3,000 स्टूडेंट तो आते होंगे, 3,000 से 4,000 स्टूडेंट, क्योंकि एक कॉमर्स डिपार्टमेंट में ही 1,000 स्टूडेंट रहते हैं लगभग, और सारे फैकल्टी का मिलाकर तो लगभग 3,000 से 4,000 स्टूडेंट रोज आते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सरस्वती पूजा का शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ में आया सुनने के लिए कि ऐसा बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट पैसा लेके भाग गए, मतलब मेरा नाम खुशबू लामा है, मैं कॉलेज की अध्यक्ष हूँ प्रेसिडेंट, तो ऐसा हम लोग को सुनने में आया। तो मैं आई कॉलेज में, पूछा आखिर आप लोग का मैटर क्या है, तो मैटर इन लोग ये बोल रही है कि कुछ लड़कियां आई थी, वो लोग बोल रही है कि DJ भोग के नाम पे पैसा कटा है, तो वो कुछ लड़कियां, मैं जब उन सब लड़कियों को खड़ा किया गया तब वो लोग लड़की लोग स्टेटमेंट दी कि प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं बोला था, प्रेसिडेंट ने बोला था कि अगर प्रिंसिपल परमिशन देती है तो हम लोग DJ भी लगाने का कोशिश करेंगे, जिससे लड़की लोग और ज़्यादा इंजॉय कर पाए। यहाँ पे हम लोग को इल्ज़ाम लगाया गया है कि हम लोग चंदा का पैसा खाए हैं, जबकि कमेटी मेंबर्स में से 2 लड़कियों द्वारा ही सिर्फ ऐसा किया गया। कमेटी मेंबर्स में दोनों लड़कियों को हम लोगों ने बोला था कि आप लोग बैठ के चंदा काटो, क्योंकि चंदा काटने के दौरान मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं था, मैं चंदा काटने में थी ही नहीं। 18 माह से दुकान लगाने से महरूम शिक्षित मंगला हाट दुकानदारों ने अब प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन का मन बना लिया है। 18 माह हो गए हैं,
पर अब तक मंगलाहाट के दुकानदारों को साक्षी बाजार में दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिली है। पहले उनसे कहा गया कि दूसरा स्थान चिन्हित किया जा रहा है, पर अब तक प्रशासन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। मंगलवार को शाही आदल के नेतृत्व में दुकानदारों ने रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हाट को मांग को लेके आए हैं। पिछले 18 महीने से जो मंगला हाट नहीं लग रहा था, आज हम लोग मांग करने आए हैं कि अब हम लोग को सबर का इंतहा हो गया है, अब जल्द से जल्द मंगला हाट लगाने दिया जाए। इसकी एक खुशी का खबर ये है कि मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन के अध्यक्ष राजन सिंह और सारे टीम मेंबर को लेके वो शिक्षित बेरोजगार मंगलाहाट दुकानदार संघ में विलय कर गए हैं। अब कोई कमेटी के नाम से सिर्फ एक कमेटी रह गई है साक्षी मंगलाहाट में, जिसका नाम शिक्षित बेरोजगार मंगलाहाट दुकानदार संघ है। लेकिन अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, सबर एकदम सबर का इंतहा हो गया है। अगर अब जल्द से जल्द हमारे मसलों का निदान नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाधित हो जाएंगे। मानगो बाजार के दुकानदारों ने सुरक्षा की मांग को लेकर एसएसपी को मांग पत्र सौंपा है। मानगो क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए मानगो बाजार के दुकानदारों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कैलाश अग्रवाल पर हमला सहित गुंडा तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दुकानदारों ने एकजुटता दिखाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। हम लोग आए हुए मानगो बाजार सुरक्षा समिति के ओर से, मानगो के बाजार के लिए सुरक्षा के लिए हम लोग आए थे। आए दिन दिलीप चौड़कार के घर दुकान में चोरी हो जाना, उसके बाद में गुंडाओं का जो है से अड्डा बन गया है, नहीं देने से चंदा फंदा जो है उसमें आकर के नाना प्रकार का गाली गलौज। कौन लोग कर रहे इस तरह? ये तो गुंडा लोग करते हैं, गुंडा सब लोग करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था दी जाए और जो गोली कांड में जिसको गोली मारा गया है उन लोगों को पकड़ा जाए और हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। हम लोग व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, आए दिन कांड हो रहा है। तो कितने कुल दुकानदार है वहाँ? दुकानदार तो 500 है बाजार के अंदर, बाजार के अंदर 500 है। वही मामला को लेकर गोली चला है तो इसका कोई पता नहीं चल रहा है। लूट कांड है, ये लूट कांड का ही आ रहा है कि गहना लूट किया और गोली मार दिया। अभी टीएमएच में भर्ती है, बहुत सीरियस है वो। एक भूभाग पर कब्जे को लेकर विश्वकर्मा समाज और एक बिल्डर के लोगों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट की नौबत तक पहुंच गई है। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का कहना है कि बिल्डर जेपी सिंह द्वारा जानबूझकर समाज की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं बिल्डर के पक्ष का कहना है कि यदि विश्वकर्मा समाज के पास जमीन का कागजात है तो वे दिखलाएं। सिंपल से एकदम आप लोग समझने का दिक्कत है, कोई कुछ नहीं बोलने का। हम लोग बोलना है लगा बता ब्रिकेट मत दीजिए। कल के अगर काम करेंगे और कोई गिर कर जाएगा उससे जिम्मेवारी क्या है? विश्वकर्मा समझ लेंगे कि ये बोल रहे हैं कि हमारा जमीन हम बाउंड्री करना था। हम बोल रहे हैं कि उनका अपना अगर उनका जमीन है अगर वो बाउंड्री कर लें, उनका कागज अपना दिखा लें, थाना में दे दें और आकर अपना बाउंड्री करा लें। दिए हैं डीसी को, दिए हैं एसडीओ को, दिए हैं थाना को, दिए हैं मुख्यमंत्री आवास को भी दिए हैं कि जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का जमीन 1939 से जमशेद यहाँ पर काज कर रहा है। ये जो सामने वाला जमीन है, जमीन पहले टिस्को का था, टिस्को का फिर लीज एरिया से हटा करके सरकारी में हो गया। सरकारी बार से दो बार हम लोग 144 और 145 का केस हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय ने जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज को काम करने के लिए अधिकृत किया कि यहाँ पर ही 1.5-2 फीट का बाउंड्री कर करके आप यहाँ पर ही काज कर सकते हैं सुरक्षा की दृष्टिकोण से। सिद्धाराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन हॉल में लघु उद्योग निगम द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। लघु उद्योग निगम द्वारा आयोजित उक्त सेमिनार सह प्रशिक्षण शिविर में आदिवासी और अनुसूचित जाति व जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार दिलाने का प्रयास किया गया।